गट्टू का बेस्ट फ्रेंड। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू पढ़ाई और खेल कूद सभी में बहुत अच्छा था। इससे उसके मम्मी पापा और उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। गट्टू की क्लास में ही राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गट्टू और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गट्टू जितना सीधा साधा था, राहुल उतना ही शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शैतानी चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट कल तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसीलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आओगे। और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे उसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेके जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू डर गया। प्रिंसिपल सर तो बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं कल अच्छे से पढ़ाई करके आऊंगा। स्कूल की छुट्टी होने पर गट्टू सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई, तभी अचानक राहुल गट्टू के कमरे में आया। अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने आया हूँ, आओ हम पार्क में खेलने चले। लेकिन मैं आज पार्क नहीं जा सकता, मुझे अभी 2 लेसन और याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तो तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, गट्टू ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म किया और फिर चुपके से उसने पास बैठे राहुल को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। राहुल के इतने सारे मार्क्स देखकर टीचर सोच में पड़ गई। राहुल तो सारा दिन शैतानियों में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स से कहा, स्टूडेंट्स कल तुम सबका मैथ्स का टेस्ट होगा। ये सुनकर गट्टू ने राहुल से कहा, राहुल तुम चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह एक साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू तुम यहाँ सोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर मैं तो हमेशा राहुल के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर गट्टू सोना के पास आकर बैठ गया और राहुल को अकेले बैठकर ही टेस्ट देना पड़ा। गट्टू ने उदास मन से जल्दी से अपना पेपर खत्म कर दिया, लेकिन राहुल यही सोचता रहा कि मुझे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अब मैं क्या करूं? राहुल के फेल होने पर गट्टू और राहुल रोने लगे। तुमने कहा था तुम मुझे अपनी आंसर शीट में चीटिंग करवा दोगे। सॉरी राहुल, लेकिन टीचर ने मेरी सीट ही बदल दी। उन दोनों को रोते देख टीचर उनके पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, राहुल मैं जानती थी तुम हमेशा गट्टू की आंसर शीट से चीटिंग करके पास होते थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर दोनों की सीट बदली थी। और गट्टू, राहुल से ज्यादा ये सीख तुम्हारे लिए है, अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, ना कि उनकी गलतियों को छिपाकर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियाँ करने से रोकना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।